जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे तुम्हारा यार ई एडमिट कार्ड 3 हफ्ते पहले तुम्हारे पेपर के मिल जाएगा, यानी 14 नवंबर को अगर तुम्हारा पेपर है तो डेफिनेटली ये तुमको 3 हफ्ते पहले इशू हो जाएगा। दूसरी चीज अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, हाँ यार इस चीज देखो ये स्पेशली हाईलाइट करा है, फॉर बोथ राइटिंग एंड मार्किंग आंसर्स इन द ओएमआर शीट या आंसर शीट कैंडिडेट्स मस्ट यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। क्या ये चीज मुझे पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्यों बता रही हो, अभी से आदत डालो, तुम्हारे दिमाग में ये चीज छप जानी चाहिए, ना लाल ना काला ना नीला, काला तो चाहिए ना, लाल ना हरा ना नीला ना पीला, वी आर ओनली गोइंग टू यूज अ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, एंड यहाँ पर ये भी लिखा है विद एनी अदर कलर आर प्रोहिबिटेड। अगर आपको पता थी ये बात तो बहुत अच्छी बात है, वरना प्लीज इस चीज को नोट करो, तो ये बहुत ही की पॉइंट्स है तुम्हारे लिए। अच्छा, अब कई बच्चे पूछते हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, मतलब किस एज या क्या एग्जैक्टली स्टेटस। देखो, आई नो एक इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से निकला है कि विमेन कैंडिडेट्स को भी मौका दिया जाएगा, लेकिन क्या ये चीज नवंबर 21 में होगी, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। जहां तक मुझे लगता है ये 22 बैच से लागू होगा, बाकी जब ऑफिशियल वेबसाइट पर न्यूज आएगी, प्रॉपर सर्कुलर आएगा, तो मैं यहाँ पे बात करूंगी। करंटली जो सिचुएशन है वो ये है, सबसे पहली बात तो आपके अनमैरिड मेल, ठीक है, बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2003 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2006 आर एलिजिबल। तो कई बच्चों को ये डाउट होता है कि यार मेरा तो डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, तुम्हारे सामने है, तुम देख लो, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, तुम्हारे सामने है, तुम देख लो, डन। अब बात आती है तुम्हारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसे समझना, ओके। अगर तो तुम ऐसे बच्चे हो जो आर्मी विंग के लिए जाने वाले हो, तो 12th क्लास पास ऑफ 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल और इक्विवेलेंट, ठीक है, तो यहाँ पे बस आर्मी में जाना है तो यार तुमने 10+2 किया होना चाहिए, हाँ 12th अपियरिंग भी हो तो कर सकते हो, इस पे भी आगे डिटेल में बात कर रही हूँ, लेकिन ये चीज। लेकिन अगर आप एयरफोर्स या नेवी के लिए जाना चाहते हो, देन प्लीज सी इट इज रिटन वेरी क्लियरली, और ये नेहा मैम ने नहीं बनाया, ये जो तुम्हारा सर्कुलर आया है उसी में से हाइलाइट्स बता रही हूँ तुम्हें। यहाँ पे 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम एट दिस 12th क्लास पास विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ ऑफ द 10+2 पैटर्न, आई होप ये चीज क्लियर है। तो आर्मी के लिए तुम जिस सब्जेक्ट से हो उससे नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन अगर आप एयरफोर्स या नेवी में जाना चाहते हो तो यार तुम्हारे पास PCM होना चाहिए था, डन। आगे बढ़ते हैं, यस, कई 11thies का यार दिमाग में ये ख्याल होता है, तो ये चीज भी क्लियर कर देते हैं, कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द 11th क्लास एग्जाम आर नॉट एलिजिबल। पर नॉट एलिजिबल का मतलब ये नहीं है कि तुम तैयारी नहीं कर सकते, यार तैयारी अपनी जोर शोर से करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी अपनी जोर शोर से करनी है, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखो। अनदर थिंग, दोस कैंडिडेट्स, अच्छा अब 12th पास वाले तो ऑब्वियसली एलिजिबल है ही जो उस एज क्राइटेरिया में जा रहे हैं, उसके अलावा 12th पास आर अलाउड टू अपियर इन दिस। अच्छा, अगर आपने येट टू क्वालिफाई, मतलब अभी आप 12वीं के परीक्षा दोगे, यू आर गोइंग टू अपियर फॉर योर 12th क्लास एग्जाम, यू आर ऑल्सो अलाउड टू गिव, दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग By 24 June 2022, यानी कि तब तक तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होगा। I hope this is very very clear. बाकी ये number of vacancies हैं, ये आप of course पढ़ सकते हो कि किस उसमें कितने कितने इस वक्त vacancies निकली हैं। फिर से बोल रही हूँ, women candidate के around अभी यहाँ पर कोई भी proper circular नहीं आया है, it is an interim order, okay? अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं, मैं बहुत फ्रैंकली एक बात करूंगी, ये जो है आपका फैसिलिटेशन काउंटर, यानी कि आपने कुछ पूछना हो, कुछ भी डिस्कस करना हो तो यार ये फोन नंबर्स है, आप जाके कर सकते हो। वैसे टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता नहीं बहुत ज़्यादा काम आते हैं, मतलब मैंने काफ़ी ट्राई करने की कोशिश की 1-2 दिनों में, तो मुझे तो नंबर नहीं मिला, बट दिस इज द ऑफिशियल नंबर, ठीक है। एंड बाकी आप स्पेसिफिकली आर्मी नेवी या एयरफोर्स के ये लिंक से आप जाकर वहां पर और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।